हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा काम निपट गया है, तो यहाँ पे मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी आज, क्योंकि मुझे चेंज करनी थी। और चेंज मैं सोची थी कि कॉटन की बेडशीट बिछाऊंगी, लेकिन सुबह मौसम ने इतना बड़ा धोखा दे दिया कि आज सुबह से ही कोहरा लग गया था। तो फिर मैंने कहा देखती हूँ बाद में, जैसे कल धूप आ गई थी आज आ जाएगी, लेकिन नहीं आई धूप। तो इस वजह से फिर मैंने वही बेडशीट बिछाई, मतलब गर्म ही बेडशीट बिछाई, मतलब वो तो धुल दी लेकिन गर्म बेडशीट बिछाई। तो यहाँ पे ना इन कुछ कपड़ा मिल नहीं रहा था इनका, आपके पापा का, तो वो मैं ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला फिर भी। और थोड़ा ये कि कपड़े इधर उधर हो गए थे, तो मैंने कहा ये भी सेट करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा अब क्या कर सकते, पता नहीं कहाँ चले गया, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि अब तो बेड भी ज़्यादा है नहीं, ये दो बेड है जो पहले एक बाहर बेड रहता था कि उसमें ऑप्शन रहता था कि उसमें ढूंढ ले, लेकिन वो तो है ही नहीं। पता नहीं देहरादून छूट गया या ससुराल में छूट गया, कहाँ छूट गया। चलो जो भी है देखा जाएगा, मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं और अब अपनी बेडशीट बिछा लूँगी। सोचा था आज से कॉटन की, वैसे बिछाने के लिए बिछा ली थी क्योंकि ना रात को ना गर्मी होती है, लेकिन फिर ये कि ठंडा होगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगी इनसे, क्योंकि अभी ये इन कमजोरी वीकनेस है इनके शरीर में, तो ठंडा भी लगता है इन्हें। क्योंकि फैमिली में तो सबको लेके चलना पड़ता है ना, औरत सिर्फ अपना वो नहीं कर सकती। हम मुझे गर्मी लगती है लेकिन औरों को तो ठंडा लगता है, तो इस वजह से चलो मैंने फिर गर्म बेडशीट भी बिछा ली। और तो चलो यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। और ये ना ये भी मुझे, मतलब मेरी बेडशीट जितनी भी है लगभग लगभग सारी गिफ्टेड ही हैं, या तो मेरे भाई ने दी हैं या हमारी मकान मालकी ने दी थी, उन्होंने दी हैं। तो ये भी गिफ्टेड ही है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी थी उन्होंने। तो बेडशीट सेट हो गई है, तो पिल्लो भी रख दिए। तो आज मैंने सोचा आज मैं रजाई नहीं रखूँगी बेड के ऊपर, रजाई मैंने अलग से रख दी है, मतलब टेबल है बगल में, टेबल पे टेबल लगा के टेबल में रख दी थी। तो बेड मेरा सेट हो गया है। तो फ्रेंड 12 बज गए हैं और काम हो गया। आज ना मैंने इधर रख दिए ये कंबल वगैरह और अपना बेड ऐसे सेट कर दिया है, क्योंकि रजाई ना बेड के ऊपर रखते रखते आफत आ गई। खाली बेड अच्छा लगता है बट यही करे जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। टेबल रखा है नीचे, उधर से जो दूसरा टेबल है तो उसके ऊपर रख दिया है मैंने। थोड़ा ये कि अलग तो रहेगा बिस्तर में। और हाँ, मैं आपको दिखाना चाहती थी एक हैक ना, लिपस्टिक हैक, तो दिखाती हूँ। तो दो लिपस्टिक मैंने ले ली, रेड और पिंक, डार्क पिंक है ये, तो दिखाती हूँ आपको। तो एक तरफ हम लगा लेंगे रेड, ठीक है, और दूसरी तरफ लग लगाएंगे वैसे आप लोगों ने देखा होगा तो पिंक, ये रेड है। इन दोनों को मिक्स करती हूँ, देखो बिल्कुल नया कलर आ गया ना। तो देखो बिल्कुल नया कलर आ गया। तो कैसा लगा आपको ये हैक बताना? वैसे आप लोगों ने देखा होगा बट मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, मैंने परसों देखा था तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करना, बिल्कुल नया कलर आ जाएगा। और हाँ, कल मेरा कूरियर आया था तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या मंगाया था। तो कल कूरियर आया था, मैंने कूरियर में मंगाया था। वैसे ये अच्छा, मतलब रैपिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और ऊपर मैंने कल कर दिया था, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो का एंड मेरा हो गया था। और शॉर्ट वीडियो वैसे मैंने बनाई है, उसमें आप देख लेना। तो मैंने मंगाया था सैंडविच मेकर, टोस्टर मंगाया था। तो ये है टोस्टर और ये यहाँ से इसका बंद करने का है। और ये है, तो क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा पतला नहीं है, मोटा है, हार्ड है। तो ये है, ये इसमें प्लास्टिक है और ये बंद करने का। तो टोस्टर मंगाया, वैसे तो इलेक्ट्रिक लेने का मन था बट ये किराए के कमरे में इधर ढो उधर ढो, जगह भी नहीं। किचन भी आपने देखी बहुत छोटी सी है, तो फिर पूरा स्लैब भर जाएगा। तो मैंने कहा फिलहाल इसको ही ले लेती हूँ। और तो ये लिया है मैंने टोस्टर, और इसके साथ आया मैसर, ठीक है। ये भी ठीक है, मतलब ये नहीं कि पतला है, स्टील ना काफ़ी ठीक है। तो ये मैसर आया इसके साथ, और इसका रुपीज़ है 284, हाँ 284 है, तो ठीक पड़ गया 284 में। तो बस ये मैंने ये मंगाया और कल बच्चों के लिए बनाऊँगी।
यूज़ करके इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी कि कैसा रहा इसका ये मतलब सैंडविच बना के दिखाऊंगी आपको, कल ही दिखाऊंगी वैसे क्योंकि कल ही मेरे को बनाना है, कल सैटरडे है तो बच्चों को जैसे पता ही आप लोगों को बच्चे ले जाते हैं कुछ भी चीज़ मतलब वो घर का बना हुआ ठान हो गई हूँ। इसमें ना बार बार ऐड आते हैं वो मतलब गेम्स के, जबकि मैंने सारे गेम्स डिलीट कर दिए फिर भी आप लोगों के पास कुछ वो हो बताना सेटिंग वगैरह में कुछ तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो ये सब तो हो गया है, अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी बड़ी का साग, जो बड़ी होती है ना दाल वाली उसका। तो चलो खाना बनाती हूँ, क्विक सी रेसिपी ही देती हूँ आपको। सो फ्रेंड तैयारी कर ली है मैंने, बड़ियाँ निकाल ली हैं, ये बेसन का घोल है, प्याज टमाटर धनिया कट कर दिया, अदरक लहसुन देखती हूँ ग्रेट करके डालती हूँ या कूट के डालती हूँ। तो कुकर रख दिया, कुकर भी गर्म हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्विक सी रेसिपी देती हूँ आपको। तो पहले रिफाइंड डालो, और रिफाइंड में सबसे पहले वैसे रिफाइंड कम डालना क्योंकि हमें पहले ये बढ़िया भूननी है ना, क्योंकि नहीं तो ये बढ़िया ऑब्जर्व कर लेती है रिफाइंड। तो बढ़िया भूनने के बाद मैंने प्याज डाल दिया और वो क्लिप हट गई, बढ़िया निकाल दी, प्याज डाल दिया। प्याज के साथ मैंने टमाटर और धनिया, आप सोच रहे होंगे धनिया इस टाइम पर क्यों डाला, क्योंकि इस टाइम पर डालो ना तो धनिया थोड़ा मिक्स हो जाता है, और नहीं तो ऊपर से डालो तो बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो इस वजह से मैं इस टाइम डाल देती हूँ। तो नमक डाल दिया, नमक डाल के पहले मैंने सोचा यार अंधेरा आ रहा, फिर मेरे को दिमाग काम ही नहीं किया, फिर मैंने कहा चलो बैक कैमरे से बनाती हूँ, उजाला आ जाएगा क्योंकि लाइट ओपन करके। तो बस मसाले डाल दिए हैं, मसाले अच्छे से पक जाएंगे। मसाले में हल्का सा पानी डाला करो जिससे ना जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पे बेसन का घोल डाल दिया है, और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे नहीं तो ये कढ़ी जैसा वैसा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो डाल के अच्छे से पका देंगे इसे, और जैसे ये उबाल इसमें आ जाता है वैसे हम अपनी बढ़िया डाल के मिक्स करके और जितना पानी डालना है वो डाल देंगे। और मुझे ना बहुत पसंद है बड़ी का साग और भात। तो बस यहाँ पे साग भी बन गया है, और इसमें दो चार सीटी लगा के ये पक जाएगा। तो बंद कर दिया है, सीटी लगा के पक जाएगा, उसके बाद हम अपने चावल चढ़ाएंगे। तो अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि इसी कुकर में मुझे चावल चढ़ाने हैं ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो जब तक टाइम है। तो मैं बता रही थी आपको स्वेटर है तो ये बस थोड़ा सा रह गया है, 10-12 सलाइयाँ रह गई हैं, और एक तो हो गया मेरा, एक आस्तीन हो गया, ये दूसरा आस्तीन है, तो इसे कंप्लीट करके आज दे दूँगी मैं, क्योंकि ना मुझे किसी का काम मेरे सर पे रहता है तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो आज इसे कम्प्लीट करके शाम को दे दूँगी जिनका स्वेटर है। तो और सोचा तो था मैंने इसके आगे भी व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन पता है टाइम मतलब लंबा हो गया व्लॉग ना, तो इस वजह से यहीं पर अपने वीडियो का भी एंड, क्योंकि लंबा वीडियो बना के कोई फ़ायदा तो है नहीं, इतना खास कोई देखता है नहीं वीडियो, इसी वीडियो को इतना देख ले वो ही काफ़ी है। चलो कभी तो हमारे दिन आएंगे, कभी तो हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। चलो तो इसी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।